Welcome, dear students. Myself, Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, we are going to discuss a medicinal plant which is mentioned in your syllabus, Datura. It is part of Unit 5th of Botany Paper 2nd of BSc 2nd year. Datura. और इस पौधे से आप सभी परिचित हैं. ये पौधा ईजिली आपने अपने घर के आसपास जो वेस्ट लैंड पड़ा होता है, खाली स्थान पड़ा होता है, उसमें देखा होगा. और इसके अलावा धतुरे के फ्लावर्स और धतुरे के फ्रूट्स लॉर्ड शिवा के टेंपल्स में ऑफर किए जाते हैं, जैसा कि हमने हमारे एथनोबॉटनी के वीडियोस में भी देखा था. तो धतुरा एथनोबॉटनिकली ही नहीं बल्कि मेडिसिनली भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पौधा है. और इसकी फैमिली है सोलेनेसी. सोलेनेसी अर्थात आलू, टमाटर, मिर्ची, बैंगन की फैमिली. तो सोलेनेसी फैमिली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है धतुरा. इसकी तीन मुख्य स्पीशीज हैं, धतुरा इनोक्सिया, धतुरा स्ट्रामोनियम एंड धतुरा मेटल. धतुरा स्ट्रामोनियम एंड धतुरा मेटल मेडिसिनली काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं. धतुरा की छोटी सी ये हर्ब आप कहीं पर भी अपने घर के आसपास के जो वेस्ट लैंड है वहाँ पे नालों के किनारे देखते हैं. इस पर ऐसे सफ़ेद रंग के फूल या फिर क्रीमी वाइट रंग के फ्लावर्स मिलते हैं. और या धतुरा मेटल का अगर पौधा आपने देखा है तो उस पर, जिसे काला धतुरा भी कहते हैं, तो ऐसा पर्पलिश रंग के इस पर फूल लगते हैं. तो कॉमन नेम इसका धतुरा ही है. और जो मुख्य भाग इस पौधे का मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है, जो काम में आता है, कई बार इसका होल प्लांट काम में आता है, कई बार इसकी लीव्स काम में आती हैं, फ्रूट्स काम में आते हैं, सीड्स काम में आते हैं, या इसकी रूट्स भी मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है. और यह पौधा एशिया का नेटिव पौधा है. और यूजुअली इट ग्रो इन वेस्टलैंड्स थ्रू आउट द इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू मलाबार. और जैसा हमने देखा, एक छोटी सी हर्ब है जो पेरिनियल है, बहुवार्षिक है, ट्रॉपिकल हर्ब है. इसकी हाइट 1.5 to 1.8 meters तक हो सकती है. पत्तियाँ ट्रायंगुलर शेप की होती हैं स्पेशली, और ओवेट हो सकती हैं, जिसका पॉइंटेड एपेक्स हो सकता है. फ्लावर्स का कलर जैसे हमने अभी पिक्चर्स में देख ही लिया, वाइट कलर के या क्रीम कलर के फ्लावर्स होते हैं. या धतुरा मेटल अगर है, यानी काला धतुरा है, तो उसमें डार्क पर्पल कलर के फ्लावर्स दिखते हैं. फ्रूट्स जो है इस पर ग्लोबोस कैप्सूल होता है, और वो जो कैप्सूल है वो स्पाइनी या वार्टी होता है, जैसे कि आपने इनिशियल पिक्चर में देखा था. और उसके ऊपर जो ये स्पाइंस हैं, उनका एसोसिएशन, उनका अटैचमेंट और दूसरे कई कैरेक्टर्स के द्वारा हम स्पीशीज में आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं. जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट धतुरा में है वो है अगेन एल्केलॉइड्स. जैसे आपने देखा राउल्फिया सर्पेंटिना में रेसरपीन था, सिनकोना में क्विनिन था, उसी तरीके से धतुरा में भी एल्केलॉइड्स मिलते हैं, जो ट्रोपेन फैमिली के एल्केलॉइड्स हैं. और स्पेशली ये मुख्यतः तीन एल्केलॉइड्स बड़े मेडिसिनली इंपॉर्टेंट हैं, स्कोपोलामिन, हायोसाइमिन एंड एट्रोपिन. तो धतुरा स्ट्रामोनियम के यूजेस जो हैं, इसकी यंग लीव्स जो होती हैं, एंटी स्पास्मेटिक इफेक्ट होता है, यानी स्पास्म को, मरोड़ को रोकने का काम करती हैं. परंतु नार्कोटिक इफेक्ट भी है इसका साथ में, अर्थात नशा लाने वाली भी प्रवृत्ति होती है. इसलिए इसका उपयोग बड़ी सावधानी के साथ किया जाता है. और अस्थमा की प्रॉब्लम जिन्हें रहती है, तो उसमें जो स्पास्म आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसकी पत्तियों का धुआं बना करके उसके धुएं को इन्हेल किया जाता है. वूपिंग कफ और ब्रोंकाइटिस के अंदर भी इसके पत्तियों को इनहेल किया जाता है, उसके स्मोक को. और इसी धतुरा स्ट्रामोनियम की जो पत्तियों की पुल्टिस जो है वो बना ली जाती है चावल के आटे के साथ मिक्स करके. वो पत्तियों को पहले अल्कोहल में या पानी में भिगो के रखा जाता है, और फिर इसकी पुल्टिस बना करके अप्लाई की जाती है. कहाँ पे? रूमेटिक स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स. तो जो गठिया जिन लोगों को है, उनके जॉइंट पेन जो होता है, तो वहाँ पे स्वेलिंग्स हो जाती हैं वहाँ पे, या लंबे को हो रहा है, ट्यूमर्स, ऐसे पेनफुल ट्यूमर अगर बन गया है, गांठ बन गई है, ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन हो गया है, या ग्रोइंग टो नेल्स हो रहे हैं, न्यूरालजिया की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे ये जो पत्तियों की पुल्टिस बना के लगाई जाती है, तो इट गिव्स वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट. इसके अलावा इट्स जूस विच इज बॉइल्ड विथ एनी टाइप ऑफ ऑयल, इट कैन बी यूज एज ए ड्रेसिंग फॉर द स्किन डिजीज ऑफ द हेड एंड द रनिंग सोर्स. और गर्म दूध के साथ इसकी पत्ती का जूस अगर पिया जाता है, तो ये माना जाता है इट इज़ हेल्पफुल टू एक्सपेल द इंटेस्टिनल वर्म्स. तो आंतों में जो कीड़े हैं उसको बाहर निकालने में भी हेल्प करता है. और परंतु इसके बीज अगर इंजेस्ट कर लिए हैं किसी ने गलती से, तो अगर लार्ज क्वांटिटी में किए हैं तो बहुत ही नुकसान हो सकता है.
इट मे कॉज विजुअल हेलुसिनेशंस, टैकीकार्डिया हो सकता है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका डिप्रेशन होकर के आदमी कोमा में भी जा सकता है. तो इट इज़ वेरी डेंजरस टू यूज इट्स सीड्स. तो मेडिसिनली आप देख रहे हैं कि इसकी लीव्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन द अनदर स्पीशीज धतूरा मेटल, जिसे आप काला धतूरा कहते हैं, इसमें भी कई एल्कलॉइड्स हैं. इसकी फ्रेश लीव्स में एक प्रोटीन मिलता है, फेरेडॉक्सिन प्रोटीन. इसके अलावा स्कोपोलामाइन मिलता है. इसके अलावा कई वेदनोलाइड्स भी इसमें मिलते हैं, जिसमें विदामेटलिन, विदामेटलिन बी, आइसोविदामेटलिन, धतुमेटिन, धतुमेटिक्सोन, धतुरिलिनॉल, धतुरामेटलिनॉन्स ए टू जी, ये सभी इसके अंदर मिलते हैं. इसके अलावा एल्कलॉइड हायोसिन भी अगर लार्ज डोजेस में अगर कोई ले ले तो वो भी कोमा या डेथ तक पहुंच सकता है. इसके अलावा इंडिया में इसका लीफ एक्सट्रैक्ट, इट इज़ यूज एज एन एंटीडोट फॉर स्कॉर्पियन बाइट और स्नेक पॉइजन. तो बिच्छू ने काट लिया है या स्नेक ने काट लिया है तो उसका एंटीडोट के रूप में इसकी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है. और इसकी रूट जो है धतूरा मेटल की, उसको दूध में बॉईल कर लिया जाता है, उसके बाद में घी के साथ मिक्स करके दिया जाता है टू ट्रीट इंसैनिटी, यानी पागलपन को दूर करने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है. इसकी लीव्स, सीड्स, रूट्स, दे आर यूज्ड टू ट्रीट इंसैनिटी, फीवर, कैटरा, सेरेब्रल कॉम्प्लिकेशंस, डायरिया, स्किन डिजीजेस, ये सब दूर करने के लिए भारत में इसका इस्तेमाल किया जाता है. और अगर आउटसाइड इंडिया की बात करें तो चाइना में इसको एज ए एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है. इसके जो फ्लावर है, जो आपने देखा ट्यूबुलर इन्फेंटिबली फ्रॉम, इसमें कोरोला, लंबा कोरोला मिल रहा है, तो वो जो कोरोला है उसको वाइन में डाइजेस्ट कर लिया जाता है और उसका टिंचर बना लिया जाता है और फिर एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है. और कभी कभी उसका लोशन भी बना के रख लिया जाता है, जो कि फेस पे कोई जो इरप्शंस हो गए हैं या अगर पाँव सूज गया है तो उसकी फीट स्वेलिंग को दूर करने में भी इस्तेमाल लिया जाता है. कंबोडिया में इसके फ्लावर्स जो होते हैं दे आर यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा एंड इट्स फ्रूट्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईयर एक, कान में दर्द को दूर करने के लिए इसके फलों का इस्तेमाल किया जाता है. और इन ग्यूना इट्स पाउडर्ड लीव्स आर अप्लाइड टू स्वेलिंग्स, ट्यूमर्स एंड रोमेटिक पेन्स. और इसके साथ ही वहाँ पे आई डिजीजेस को दूर करने के लिए इसकी सीड्स का डिकॉक्शन बना के यूज़ किया जाता है. तो धतूरा की मुख्य वेराइटीज धतूरा स्ट्रामोनियम एंड धतूरा मेटल बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ये एल्कलॉइड्स हैं स्कोपोलामाइन, हायोसाइमीन एंड एट्रोपिन, जो कि यूज़ में लिए जाते हैं. उसके अलावा ये सारे जो हम कई यूजेस हैं जो लोकल लोग वहाँ के इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं, चाहे इंडिया है, चाहे चाइना या कंबोडिया गुना के अंदर हमने देखा. तो दिस इज द थर्ड प्लांट ऑफ योर सिलेबस आफ्टर राउल्फिया सर्पेंटिना, सिंकोना एंड दिस इज धतूरा. थैंक यू वेरी मच.